नमस्कार, आप जुड़िया छो जी 24 कलाक समाचारों साथे। हूँ निधि आपनी साथे जोड़ाई गई छु। ने मोटा समाचार आंतरराष्ट्रीय लेवले थी सामे आवी रह्या छे। अफगानिस्तान में गृह युद्ध की परिस्थिति वच्चे अशरफ गनीए राजीनामु आप्यु छे। सूत्रों द्वारा माहिती सामे आवी रही छे, ज्यां अफगानिस्तान ना राष्ट्रपति अशरफ गनीए राजीनामु आपी दीधु छे। अब्दुल गनी बनी शके छे अफगान ना राष्ट्रपति। अब्दुल गनी बारदार बनी शके छे नवा राष्ट्रपति। अफगानिस्तान ना काबुल मां घुसी गया छे तालिबानी अने काबुल मां कोई युद्ध नहीं थाय अफगान ना मंत्री कही रह्या छे। एटले के शांतिपूर्ण वार्ता ही करवामां आवी रही छे। शांतिपूर्वक रीते तमाम जे मामलो छे ते सुलझावानो प्रयत्न करवामां आवी रह्यो छे। વધુ વાત કરવા માટે અમારા સંવાદદાતા સિદ્ધાર્થ સિબ્બલ જોડાઈ ગયા છે દિલ્હીથી। સિદ્ધાર્થ, જાણના ચાહેંગે અફઘાનિસ્તાન મેં અભી જિસ તરહ કી પરિસ્થિતિ હૈ, તાલિબાન કાબુલ તક પહોંચ ગયા હૈ, ઇસકે બીચ ક્યા કુછ જાણકારી સામને આ રહી હૈ? ક્યુંકિ અભી જિસ તરહ કે માહોલ કે બીચ એક બાદ એક જો અપડેટ્સ સામને આ રહે હૈ, ભારત કિસ તરહ સે ઇસ બાત કો લે સકતા હૈ? દેખીએ, અભી સિચ્યુએશન કાફી ડેન્જરસ સી બની હુઈ હૈ વહાં પર। अभी देखा जा रहा है कि क्या होगा नेक्स्ट, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तालिबान कहीं ना कहीं अफगानिस्तान कैपिटल काबुल के गेट तक आ गए हैं। और इसके अलावा अभी टॉक्स चल रही है, टॉक्स पीसफुल नेगोशिएशन के लिए। और इसके अलावा फोकस यही है कि कैसे ना हो और कैसे तालिबान के भी एक डेंजर है कि अगर वो आता है काबुल में फोर्स के थ्रू तो एक एक्शन हो सकता है मिलिटरीली यूएस के द्वारा उसके खिलाफ। बट सिचुएशन काफी एक तरफ से डेवलपिंग इवॉल्विंग सिचुएशन है मिनट बाय मिनट। और पिछले एक हफ्ते में हमने देखा 10 से ज्यादा प्रोविंशियल कैपिटल तालिबान के हाथों आ गई। और कहीं ना कहीं अगर भारत की बात कर ले तो भारत पिछले दिनों ही जो मजार शरीफ में सिचुएशन काफी खराब हुई थी तो अपने 50 नेशनल वहां से लेकर आया था। भारत की जो कॉन्सुलेट है मजार शरीफ और कांधार में वो टेम्परेली बंद कर दी गई है। सिद्धन, ये जानना चाहेंगे कि अभी शर्तों को लेकर तालिबान और अफगान सरकार के बीच क्या कुछ बातचीत चल रही है, उसके बारे में कुछ जानकारी? जी, बातचीत चल रही है इस वक्त। और मैं बता दूं कि अभी अभी कॉन्फर्मेशन आया है कि इस बातचीत सरकार और तालिबान के बारे में चल रही है। और यही है फोकस की कैसे एक तरफ से टेम्परेरी ट्रांजिशनल सरकार बनाई जाए। और यह इसी की वजह से ही कहीं ना कहीं ब्लडशेड कम होगा अफगानिस्तान में। पर बेहद ही ऐतिहासिक दिन है आज, क्योंकि कहीं ना कहीं अफगानिस्तान की अगर बात कर ले तो उसे ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर कहा जाता है। हमने इस सदी में देखा कैसे अमरीकी इस वक्त यूएस छोड़ के जा रहे हैं, पिछली सदी में रशियंस को देखा, उससे पहले हमने अंग्रेजों को देखा, इसी तरह अफगानिस्तान छोड़ते हुए। और आज की जो विजुअल्स आए हैं अम्बेसी से, यूएस एम्बेसी के ऊपर जो प्लेन्स होवर कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ड्रामेटिक विजुअल्स है जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भी है इस तरह से कि कैसे एक बड़ी सुपर पावर को मुंह की खानी पड़ी अफगानिस्तान में। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह की परिस्थिति अभी अफगानिस्तान में है, उन सब के बीच भारतीय दूतावास को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? भारत सरकार किस तरह से कामगिरी कर रहा है और वहां से कुछ जानकारी आपको मिली हो? सिद्धार्थ, देखिए, मैं आपको बता दूं अभी जो सिचुएशन है भारत सरकार की, भारत सरकार का बड़ा फोकस है कि कैसे एक तरफ से जो अपने नेशनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करा जाए, उनको एक तरफ से जो है कि वापस लाया जा सके। मैं आपको बता दूं पिछले दिनों ही भारत के 3 इंजीनियर्स एक डैम में फंस गए थे और भारत ने एक इमरजेंसी सर्विस करी थी और उन 3 इंजीनियर्स को वहां से ला पाए थे। और कहीं ना कहीं 1500 इंडियन सिटीजन अकॉर्डिंग टू पार्लियामेंट के अंदर एक सवाल पूछा गया था, उसके तहत 1500 इंडियन सिटीजन है। पर कहीं ना कहीं अभी फोकस यही है कि कैसे जल्द से जल्द और वहां पे जो सिचुएशन है वहां से इंडियन नेशनल्स को निकाला जा सके। सिद्धार्थ, ये भी जानना चाहेंगे कि अफगानिस्तान और भारत के बीच काफी अच्छे रिलेशन रहे हैं, उसके बीच अभी अफगानिस्तान तालिबानिस्तान बनने जा रहा है, क्या भारत के ऊपर क्या कुछ असर पड़ सकता है रिलेशन को लेकर? देखिए, ये बताना भी बहुत मुश्किल है कि भारत से क्या असर पड़ सकता है, क्योंकि देखें ये तालिबान कह रहा है कि वो अलग तालिबान है और डिफरेंट तालिबान है।
वो ऐसा तालिबान है जो पीस में बिलीव करता है, वो भारत की तरफ थोड़े पॉजिटिव इंडिकेशन भी दिए हैं और रिपोर्ट के मुताबिक भारत और तालिबान की बातचीत भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत प्री मैच्योर होगा कहना, पर अगर 90 की दशक की बात कर ले तो हमारा अच्छा एक तरफ से वो नहीं था एक रिलेशनशिप का आउटकम, क्योंकि हमने देखा था कांदाहार में ही IC-814 को हाईजैक करके ले गए थे और वहीं पर ही पाकिस्तान की बेहस में भारत का जो प्लेन है वह हाईजैक रखा था और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कश्मीर पे भी इम्पैक्ट हुआ था। पर अब स्थितियां थोड़ी अलग हैं, क्या इम्पैक्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल सिद्धांत, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। तो अफगानिस्तान में तालिबानियों कब्जो सतत वधी रह्यो छे अने अफगान सरकार पर पण सतत दबाण वधी रह्यो छे, तेनी वच्चे आ मोटा समाचार सामे आवी रह्या छे। अब्दुल गनी बनी शके छे अफगानना नवा राष्ट्रपति। अफगानिस्तान काबूल में तालिबानी पहुंची गया छे, जो कि शांतिपूर्ण वार्ता थई रही होवानुं पण सूत्रों द्वारा माहिती सामे आवी रही छे अने अशरफ गनीए राजीनामुं आपी दीधुं होवानुं पण सामे आव्युं छे। राष्ट्रपति अशरफ गनीए राजीनामुं धरी दीधुं छे, शांतिपूर्ण वार्ता ની વચ્ચે